नेल्सन, तू हमें कभी अलग नहीं कर पाएगा। ये ध्वज जो आज तुझे अलग दिखाई दे रहे हैं, कल यही संगठित होकर पूरे हिंदुस्तान का एक ध्वज बनेगा। और जिस दिन ये ध्वज एक हो गए, उस दिन तुम फिरंगी हिंदुस्तान से भागते नजर आओगे। अभी तक तुम लोग हमें राज के नाम पर बांटने की चेष्टा करते रहे, और अब धर्म के नाम पर भी बांटकर आपस में लड़ाना चाहते हो। और अब हमारी आंखें खुल गई हैं और विद्रोह की आग भड़क उठी है, और इस आग में तुम्हारा ब्रिटिश साम्राज्य जलकर स्वाहा हो जाएगा। स्वाहा। झांसी की महारानी के इन शब्दों को इतिहास संभल संभल कर लिख रहा था, और सच तो ये था कि पूरा हिंदुस्तान अंग्रेजों के विरुद्ध उठ खड़ा हुआ और विद्रोह की आग चारों तरफ फैल चुकी थी। चूंकि हिंदुस्तान के लोग पहले से ही ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह का मन बनाए बैठे थे, उस पर झांसी की रानी के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे से झांसी छुड़ा लेने पर आम लोगों में ये धारणा बनने लगी कि शक्तिशाली समझे जाने वाले ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ों को हिंदुस्तान से उखाड़ कर फेंका जा सकता है, और ये अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत थी। एक तरह से 1857 के विद्रोह की नींव रखी जा चुकी थी, और ये सब केवल वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई के कारण हुआ। How dare they paste their image on these British buildings? But there are hundreds more of them. What are we going to do about that? Take these down, each and every one of them. I don't care how you do it, but you do it before I leave. Otherwise, I'll paste your heads on these walls. Yes, sir. Captain J.W. Nelson. Sir. Captain Charles Hillerson, Elector of Campo. Sir. Captain Gordon. Sir. Allies of the East India Company. Please be seated. Rani Lakshmibai ke dwara अंग्रेजों के विरुद्ध उत्पन्न की गई अपमानजनक स्थिति के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी तिलमिला उठी। अंग्रेजों के उच्च अधिकारियों को अच्छी तरह समझ में आ गया था कि आम हिंदुस्तानियों को विद्रोह के लिए प्रेरित करने वालों में अग्रिम भूमिका रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहिब और मंगल पांडे की है। इसलिए गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने सख्त आदेश दिए कि इन चारों को कैसे भी किसी भी तरह गिरफ्तार करना जरूरी है। They sare spies ko charo taraf bhejo. Give them whatever money they need to find out information about Mango Pandit. How do we take down Nana and Tatia? This is where Captain Henderson will help us. He's been in constant contact with Nana Sahib regarding his pension. और इस तरह लॉर्ड कैनिंग ने अपने अधिकारियों को नाना साहेब, तात्या टोपे और मंगल पांडे को खरीद लेने या बंदी बनाने का आदेश दे दिया। झांसी नगर पर चारों तरफ से व्यापारिक प्रतिबंध लगा दिया गया। कोई भी झांसी के बाहर ना ही जा सके। Outside of Jhansi, cut off all security, and nothing comes into the city as well. We will make Jhansi an island. और रानी लक्ष्मीबाई को रणबांकुरा के रूप में गिरफ्तार करने की जिम्मेदारी नेल्सन को दी गई। ना रहेगी रानी और ना रहेगी उसकी ब्लडी क्रांति। महारानी साहब आप यहाँ? मैं आपको कब से ढूंढ रही थी। दरबार में सब लोग आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं।
कुछ परेशान लग रही है, क्या बात है? तुम नहीं समझोगी सुंदर, ये धूर्त फिरंगी चुप बैठने वालों में से नहीं है। अवश्य कोई नए षड्यंत्र का जाल रचना आरंभ कर दिया होगा। चलो भाई जल्दी जल्दी चलो, हमें अपना माल बेचकर फौरन वापस लौटना है। अरे क्या जल्दी जल्दी, कहाँ इतना घबरा रहे हो माधव? घबरा नहीं रहे हैं, अगर अंधेरा होते ही समय से वापस आ गए तो दूसरा खेप ललितपुर मंडी लेकर जाएंगे। चलो चलो। हमें कैसे भी किसी भी तरह लक्ष्मी बाई को पैलेस से निकालना है। Let's begin our mission. हमें रान बांकरा को रेड हैंडेड अरेस्ट करना है। Have to draw the Rani out of the palace. साहब हमें छोड़ दो साहब, साहब हमारे बच्चे भूखे मर जाएगा। लूट लो। हमारा माल छोड़ दो। अरे भगवान, हम कहाँ जा रहे हैं? हमारा माल छोड़ दो, बचाओ हमें। अरे कोई बचाओ। अरे देखो, ये अन्न है बेटी, दाना, जिसके चक्कर में दुनिया चकराई है। इंसान मरता है तो इसके लिए, जीता है तो इसके लिए। इसको खाओ और दूसरों को भी खिलाओ। आसमान लाल होने वाला है, आसमान लाल होने वाला है, आसमान लाल होने वाला है। मंदिर मस्जिद में लाल चीटे लग गए हैं, बगीचा बर्बाद हो रहा है, गर्मी बढ़ चुकी है, एक साथ मिलकर सफाया करना है। बाकी आप समझदार हैं। भागो भागो, ये फिरंगी सबको मारते काटते आ रहे हैं, भागो। वो फिरंगी खलियान में आग लगा रहे हैं, भागो भागो। हमारी रक्षा कीजिए महारानी साहब, हम जैसे ही झांसी की सीमा से बाहर जाते हैं फिरंगी हमें लूट लेते हैं। हमें से कोई भी झांसी की सीमा से बाहर नहीं जा पा रहा है। सारे खेत कल्याण जला दिए गए और जो जला न पाए उसे फिरंगी लूट ले गए। हद तो यह है रानी साहब कि बाहर से आने वाले व्यापारियों को फिरंगी झांसी में आने भी नहीं देते। अब क्या करें महारानी साहब, अब तो भूखे मरने की नौबत आ गई है। महारानी साहब, महारानी साहब। क्या बात है? महारानी साहब, फिरंगियों ने झांसी के बाहर अपना पड़ाव डालना आरंभ कर दिया है। नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। महारानी साहब, इस अपराध का ऐसा दंड देंगे हम उन फिरंगियों को कि उनकी सात पुश्तें याद रखेंगे। Your Excellency, that's the reason why I left Nelson. He's a real monster. हम जानते थे रोज, आप जैसी उच्च विचार रखने वाली स्त्री ऐसे नृशंस व्यक्ति के साथ ज्यादा दिन तक नहीं रह सकती, परंतु हम आपको एक बात बता देना उचित समझते हैं। हमारे हिंदुस्तान में कई वर्ग, कई जाति के लोग रहते हैं। विदेश से आए हुए लोगों को हमने बाहें फैलाकर अपनाया, उनका स्वागत किया, पर उन्होंने ना हमें अपना समझा और ना हमारे हिंदुस्तान को। बल्कि सोने की चिड़िया को सदैव लूटते रहे। बेशक मलिका साहिबा,
और अब फिरंगियों को इस लायक ही नहीं रखेंगे, बस आपके हुक्म की देर है। हाँ महारानी साहब, कुछ कीजिए, नहीं तो हम बर्बाद हो जाएंगे। महारानी साहब आदेश दीजिए। महारानी साहब हम बर्बाद हो जाएंगे। हाँ आदेश दीजिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। हमारे जीवित रहते हम झांसी पर आज नहीं आने दे सकते। अब तुम लोग नहीं लुटोगे, लुटेंगे ये फिरंगी। तुम लोग तैयार रहो। क्षमा कीजिएगा महारानी साहिबा, हम उन फिरंगियों का सामना कैसे कर पाएंगे? उनकी सेना इतनी बड़ी है। हम अपनी सेना बढ़ाएंगे रघुनाथ जी। झांसी का बच्चा बच्चा इन फिरंगियों को मुंह तोड़ जवाब देगा। आप ताते गुरु, मंगल पांडे और नाना भाऊ को पत्र लिखिए। श्रीमान सरकार, एक बार फिर से विचार कर लीजिए। हमें इस समय यहां नहीं आना चाहिए। तात्या गुरु, हमें अपना बिठूर ईस्ट इंडिया कंपनी से वापस लेना होगा। हमें पेशवाई की पेंशन दोबारा लागू करवानी होगी। हम बाबा साहब का सपना सच करके रहेंगे। जब समस्या वार्ता से सुलझ जाए, तलवार मयान में रखना उचित है। आपसे मिले नाना साहब आए हैं। मैंने ईस्ट इंडिया कंपनी को आपके फाइनेंशियल सिचुएशन को रिव्यू करने के लिए लेटर भेजा था, एंड दे हैव कम बैक विथ एन ऑफर। कंपनी आपको बिठूर छोड़ने के लिए हैंडसम पेंशन देगी। आप हमारे श्रीमंत सरकार का मान सम्मान खरीदना चाहते हैं, ऐसा सोच भी कैसे लिया आपने? ईस्ट इंडिया कंपनी आपको पूरी सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करेगी। झांसी की महारानी साहिबा ने मंगल पांडे जी के लिए संदेश भेजा है। क्या लिखा है महारानी साहिबा ने? महारानी साहिबा मंगल पांडे से मिलना चाहती हैं। हमारा एक क्रांतिकारी साथी आ रहा है। ताते गुरु, नाना भाऊ कहाँ हैं? वो नहीं आए? वो नहीं आएंगे भाई साहब, उन्होंने फिरंगियों के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। वो धूर्त फिरंगी उन्हें पेंशन देने पर राजी हो गए। महारानी साहब की जय हो। मंगल पांडे जी कहाँ है? महारानी साहब, उन्हें फिरंगियों ने बंदी बना लिया। महारानी साहब, अब हम क्या करेंगे? वो सारे व्यापारी तो हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अपनी प्रजा की सहायता करना आता है हमें कर्मा। हमारी प्रजा को सहायता अवश्य मिलेगी, अवश्य। झांसी की महारानी ना सही, परंतु रण बाकुरा उनके साथ है।
हमारी प्रजा को सहायता अवश्य मिलेगी। झांसी की महारानी ना सही, परंतु रण बांकुरा उनके साथ है। लक्ष्मी बाई रण बांकुरा बनकर बाहर निकलेगी और हम उसे रंगे हाथों पकड़ लेंगे। Soldiers, prepare to finish her off. Sir. लक्ष्मी बाई, इस बार तुम्हें पकड़ के नेल्सन ये प्रूव कर देगा कि तुम ही रण बांकुरा हो। ये ससुर फिरंगी वहां कहां भाग रहे हैं? हम तो यहां खड़े हैं। जाओगे रानी लक्ष्मीबाई? और अदर रण बांकुरा। तो यहाँ है तो फिर वो कौन है?